के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, सुनने को मिली। फिल्मों को जहाँ तक हम लोग देखते थे कि एक दायरे में कैद करके लोग रखते हैं, सेंसरशिप वगैरह के दबाव के चलते लोग उतने अच्छे तरीके से फिल्में नहीं बना पाते हैं जितना खुलकर उन्हें बनाना चाहिए। लेकिन मुजफ्फरनगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म जितनी बेबाकी के साथ इसके बाद मनोज सिंह सामने ने की है। ये सब देखकर लगता है कि आखिर ये लोग भी तो सेंसरशिप को किसी तरह से उस हाशिए को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मार्जिन को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसको कहते हैं अर्थपूर्ण सिनेमा, उसकी परिभाषा पूरी तरह ये फेस्टिवल साबित करता है, स्थापित करता है। बहुत ही अच्छा था। अभी हम लोग ये जो मुजफ्फरनगर बाकी है देख के निकले हैं, एंड इट वॉज मतलब आउटस्टैंडिंग मूवी। मतलब आपके लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो गए थे कुछ चीज़ें देख के, एंड रोना भी आ रहा था। देखिए, मैं यहाँ पिछले 6 साल से आ रहा हूँ, तो हमको यहाँ आने से चित है कि बहुत से लोगों से मुलाकात हो जाती है और नई चीज़ें जानकारी हासिल होती है। जैसे मान लीजिए अभी हमने जो फिल्म देखा, एक ये निर्भीक फिल्म थी और इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि महिलाओं के प्रति जो कुछ हुआ उसको ओपनली दिखाया नहीं गया। ये मतलब उनकी एक महिला सम्मान की या महिला सम्मान की बात बहुत अच्छी लगी मुझको। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो हर दंगे में बच्चे तो प्रभावित होते ही हैं, बड़े होते हैं, नौजवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो बच्चों को इसमें दिखाया गया तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन जो महिलाओं को एक उनकी स्टोरी तो दिखाई गई है लेकिन छायांकन नहीं दिखाया गया है। ये उनके मतलब एक महिला के दुख या उनके गोपनीय बात को सच साबित करने का एक ढंग है। और डायरेक्टर की एक बहुत बड़ी निर्भीकता है कि तमाम परेशानियों के बावजूद हो सकता है इसमें किसी को रुचि लगे, किसी को अरुचि लगे, कोई पार्टी इस पर नाराज भी हो सकता है, कोई खुश भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने एक जो साहस का कार्य किया है उसके लिए वो सराहनीय है। मारा हमेशा गरीब ही जाता है, कभी किसी ताकतवर आदमी को मरते हुए तो कुछ नहीं देखा नहीं। वही चीज़ है इसकी सच्चाई।